हाई एवरी वन वेलकम बैक मैं कृतिका दिस इज ओ टू आई एस एकेडमी और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स यानी कि हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे तो ये वीकली कवर करते हैं यानी कि एक वीक में कैसे ऐसे न्यूज रहे हैं इवेंट्स रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्री और मेन्स दोनों के इम्पोर्टेंस से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगेन हर एक न्यूज़ पेपर मैगजीन सबसे कवर किए जाते हैं आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज़ दी लास्ट वीक ऑफ जनवरी इसकी अलग से प्ले बनी हुई है सो so उसको भी आप चेक कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आप कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड हिट द बेलाइकन और कोई क्वेरीज रहती हैं सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल एज़ नीचे दिए गए नंबर जो हैं उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर क्वेरीज हम लोग बात करते हैं कि इनके पी आपको कहाँ मिलते हैं तो वो मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा एच एस टेस्ट सीरीज़ 2023 इसी में फ्री रिसोर्सेज में इनको अपडेट किया जाएगा एज़ वेल एज़ 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं हिमाचल के उसका कंपाइलेशन भी वहाँ पर अवेलेबल है सिंस आप यहाँ पर हैं ही तो इस टेस्ट सीरीज़ को भी ज़रूर चेक कीजिएगा चैप्टर वाइज इसको कवर किया गया है ताकि इसको आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में सिंक कर सकें एंड डू चेक इट आउट वांस फ्री सैंपल्स अवेलेबल हैं सो ज़रूर देख कर दीजिए तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज़ रथ यात्रा तो कुल्लू में देखो दशहरा हमें पता है बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर रघुनाथ जी हैं यात्रा निकाली जाती है ढालपुर ग्राउंड में तो यूजुअली uh, हमें यही पता होता है लेकिन उसी सेम तरीके की यात्रा ढालपुर में बसंत पंचमी को भी यहाँ पर निकाली जाती है और यहाँ पर जो फेमस यहाँ की चीज़ है दैट इज़ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति विशेष जो है वो अपने शरीर के ऊपर हनुमान जी वाला जो सिंदूर रहता है वो लगाते हैं और फिर इधर उधर भागते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है अगर उनको टच करें तो शुभ माना जाता है तो इसके लिए वो जो है इधर उधर यहाँ पर भागते हैं अगेन बंद हो गया था ये जो फेस्टिवल है इसको मनाना बंद कर दिया गया था 2009 में इसको वापस से रिवाइव किया गया आफ्टर 49 इयर्स। क्यों क्योंकि कल्चर है हमारा इसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इस तरीके की चीज़ों को जो है रिवाइव यहाँ पर किया जाता है फोर्टी एट ईयर्स के बाद में ठीक है होली की तरह रहता है बहुत सारी जो कम्यूनिटीज़ हैं वो साथ में आती हैं गुलाल से जो है यहाँ पर खेलती हैं नेक्स्ट हमारा प्री फैक्ट है डायरेक्टली यहाँ पर एक ऐप की बात की जा रही है ई कच ऐप तो इसको नेशनल अवार्ड भी दिया गया है तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए दैट इज कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव इंपॉर्टेंट है बस ऐसा एच पी पी में पूछ लेता है ई का आप जो है कहाँ की है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है तो कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव यानी कि जो चुनाव हुए हैं उनका एक्सपेंडिचर जो भी उनका प्रॉपर प्रोसेस था उसको यहाँ पर उसका एक डिजिटाइजेशन बेसिकली इस पर किया गया तो अगेन एक इलेक्शन इनिशिएटिव है और कांगड़ा पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना इनिशिएटिव लेने के लिए तो ई कच या कटोच करके याद कर लीजिएगा कट्टोच पर रूल करती थी तो यहाँ पर काम कामरा तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ गया हमारा पांगी का एक एन जिसका नाम है पंगवाल एकता मंच तो हम लोग जानते हैं कि पांगी आपका सारा ट्राइबल एरिया है ये लोग बात कर रहे हैं कि एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए तो क्या है बेसिकली वो एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यहाँ पर रखती हो अभी अगर हिमाचल में बात की जाए ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसके दो पार्ट्स हैं एक है ट्राइबल सब प्लान एक है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन मेंस के लिए इनफैक्ट आप इसको डिटेल में यहां पर पढ़ते हो तो इनमें जो है आपका ट्राइबल वेलफेयर के लिए पैसा सेंक्शन किया जाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है यूज किया जाता है राइट right? तो यहाँ पर ये एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात कर रहे हैं कि बननी चाहिए आने वाले टाइम में बनेगी या नहीं बनेगी तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आगे इसकी पावर्स क्या हैं उसके उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट आ गया पीएम मोदी ग्रीड्स पीपल ऑफ हिमाचल ऑन फॉर्मेशन ऑन द स्टेट्स फॉर्मेशन डे तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो तब तो आपको पता होगा लेकिन जो नहीं करते हैं तैयारी वो सबसे पहले देखते हैं कि आज स्टेट हुड डे है कि हिमाचल डे है क्योंकि 15 अप्रैल को हम लोग हिमाचल डे मनाते हैं स्टेट हुड डे जो है वो हम लोग पच्चीस जनवरी को मनाते हैं तो ये प्रॉपर जर्नी रही है हिमाचल की कि, कि किस तरीके से पहले पंद्रह अप्रैल को वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था जो हिमाचल के हम लोग शेप देखते हैं ना वो पंद्रह अप्रैल को आई थी कि इस तरीके का हमारा डिस्ट्रिक्ट होने वाला है फिर बड़ी लंबी जर्नी रही चीफ कमिश्नर प्रोविंस के बाद में पार्ट सी स्टेट बना फिर उसके बाद में यूनियन टेरिटरी रहा फाइनली जो है स्टेट हुड उसको मिला था पच्चीस जनवरी आपके नाइनटीन में और इसमें जो आपका स्टेट बिल है हमारा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वो पास किया गया था यहाँ पर एटीनथ अक्टूबर नाइनटीन में और उसको जो है यहाँ पर पास करके हिमाचल एटीनथ स्टेट बना था तो हमने जो है वो यहाँ पर बनाया राइट फर्स्ट गवर्नर बने थे मिस्टर एस चक्रवर्ती एज वेल एज़ जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर वाई एस परमार जिनका बहुत ज़्यादा योगदान था वो स्टेट हुड चाहते थे उनका एक उन्होंने एक विजन देखा था जिसको वो यहाँ पर पूरा करना चाहते थे तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है तो ये है कि टाइगर के पग मार्ग ये इस तरीके के रहते हैं जो इनके पद चिन्ह हैं वो यहाँ पर मिले सिम्बल बारा नेशनल पार्क में सिम्बल बारा नेशनल पार्क है सिरमौर में और इसको हम लोग जर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं ठीक है सिम्बल बारा ये जो यहाँ पे बहती है नदी इसमें एक फिश भी मिली जिसको इसी के नाम पर सिम्बल बारा जिनेसिस करके उसका नाम जो है नई स्पीशी मिली उसका नाम भी रखा गया तो ये इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पर अब जो है टाइगर के वो फुट प्रिंट्स जो हैं वो मिले हैं तो कहाँ से आया क्या हिसाब किताब है ये हम देखेंगे तो सबसे पहले सिम्बल बारा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ ना वहाँ पे साल फॉरेस्ट हैं ग्रासी लैंडस्प स्केप हैं अच्छी बायोडाइवर्सिटी है फ्लोरा और फोना काफ़ी सारा देखने को मिलते हैं लेकिन इतना बड़ा एरिया नहीं है कि जहाँ पर जो आपके ये टाइगर्स हैं और एलिफेंट्स रह सके क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बड़ा हर्ड एलिफेंट्स का भी चल के आया तो ये कहाँ से आ रहे हैं क्या हिसाब किताब है इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि इतने ज़्यादा स्पेस नहीं है स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है इनको अब जब आ, ये आपके एनिमल्स हैं ये बड़े हर्ड्स में भी मूव करते हैं तो ये इस तरीके से ये एरियाज़ है जहाँ पर इनका मूवमेंट है तो राजा जी नेशनल पार्क से जो टाइगर है ये देखा जा रहा है कि राजा जी नेशनल पार्क से चलकर आए यहाँ जैसे सिम्बलवारा नेशनल पार्क है और कालेसर नेशनल पार्क जो है ये भी यहाँ से जो आपके एलिफेंट्स वगैरह हैं वो इस वैली साइड से आते हैं ये हरियाणा में है ये राजा नेशनल पार्क उत्तराखंड में ठीक है तो यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी को जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाए पहले ये तीनों कनेक्टेड हुआ करते थे कॉरिडोर था इन एनिमल्स के लिए मूव करने के लिए अभी नहीं है लेकिन जिनसे एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि ये जो एरिया है इट्स वर्थ प्रोटेक्टिंग इंपॉर्टेंट है और इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है सो so, पर जो है आपका सिम्बलवारा कालेसर राजा जी टाइगर कॉरिडोर जो है वो बनाया जा सकता है अगेन ये जो एनिमल्स है सिंस इनका मूवमेंट जो है चलता रहेगा मैं सिर्फ यहाँ पर टाइगर्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं एलिफेंट्स एज वेल क्योंकि एलिफेंट्स भी मूव कर रहे हैं नो एलिफेंट्स पहली बार हिमाचल में आए और यहीं पर सिम्बलवारा में ही वो उनका जो प्रॉपर मूवमेंट है वो देखा गया तो इस तरीके से ये जो आपका कॉरिडोर है ये इस पूरी एक्टिविटी को पूरा जो आपकी बायोडाइवर्सिटी वहां पर है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है और इसके दौरान सिंस मूवमेंट है कॉरिडोर बनाया जाएगा तो वो जो हम लोग एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वो जो है कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसको मॉनिटर यहाँ पर किया जाएगा राइट right? सो so इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हैंगिंग रेस्टोरेंट टू कम इन बिलासपुर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है इसके ऊपर वो वाला मीम भी बन सकता है कि आपका बॉस चाहता है कि आप नई ऊंचाइयों को छुएं तो यही वो नई ऊंचाइयां हैं तो इसने अपना रेस्टोरेंट भी ऊपर बना लिया तो लेकिन आने वाले टाइम में अगेन बी के साथ में मिलकर बना रहे हैं इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जहां तक हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं तो फिर आगे है जी हमारा टूरिस्ट स्टेइंग फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन इन शिमला टूरिज्म इंडस्ट्री टू प्रिपेयर रोड मैप टू अट्रैक्ट विजिटर्स तो इसके बारे में सबसे पहले ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ आपको पता होना चाहिए कि क्या हिसाब किताब चल रहा है तो क्या हुआ कोविड टाइम्स में टूरिज्म हो गया बाकी सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने डिप लिया है ना उसमें टूरिज्म भी था तो उसके बाद में भी हमें देखने को मिला कि इस इसका जो राइज है वो प्रॉपरली उस तरीके से नहीं हुआ नो no डाउट अभी भी इकोनॉमिक सर्वे में जो है सात प्रतिशत लिखा जाता है कि सात प्रतिशत क्या है जो आपका टूरिज्म तुर, सेक्टर है इसका वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है लेकिन क्या है देखने को मिला बहुत सारे रीजन हैं जैसे आपका परमाणु वाली साइड पर वो बड़ा जो रोड था वही सिंक कर गया है ना तो मॉनसून है बारिश की वजह से लोग मूव नहीं करते हैं फिर ठंड है अभी तो फिर वहाँ पर ज़्यादा आइस जो है आइस नहीं स्नो जो बर्फ़ है वो भी नहीं पड़ी तो लोग बर्फ़ देखने के लिए भी नहीं आए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट की हम लोग बात करते हैं वो कुल्लू मनाली उस वाले एरिया पे साइड जाता है तो शिमला में ऐसा नहीं है कि टूरिज़्म नहीं आ रहा है और ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको खाली दिखेगा वहाँ पर लोग हैं भरा हुआ रहता है वो लेकिन जो एवरेज टूरिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं जो आता रहता था जाता रहता था वो जो है अभी कम हो गए ये उसके ऊपर बात कर रहा है जिसके लिए जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर आ, स्टेप्स लेने वाली है आ, यहां पर आप इसको स्टडी को भी कोट कर सकते हो कि टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एसोसिएशन की ये रिपोर्ट है जो कि कहती है कि शिमला में एवरेज स्टे जो है टूरिज्म का वो काफी कम यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मनाली की हाप्ता वैली में तो इसमें बात की जा रही है कि यहाँ पर आपको इनविट लाइफ जो एस्कीमोज वाली लाइफ है ना ग्रीन लैंड के लोगों को ये कहते हैं तो उस वाली लाइफ का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस यह दे सकते हैं दैट इज़ यहाँ पर इग्लूज बनाए गए हैं तो इग्लूज तो मैंने तो कभी असली में देखे नहीं किताबों में ही हम लोग देखते थे वो भी बचपन में कि इग्लू होता क्या है तो 2017 में ये इंट्रोड्यूस यहाँ पर किए गए थे इग्लू स्टेज प्रॉपर एस्कीमो लाइफ का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा तो अगेन अगर हाम्पा वैली को uh, कौन सी सी वैली है जिसको इग्लो वैली भी कहा जाता है हमता वैली है ये वैली वो वैली तो याद रखना है हमता वैली नेक्स्ट है आगे सेक्स रेशो एट बर्थ हिमाचल रैंक्स टू इन द रीजन अब ये हम एक सोर्स को कोट कर रहे हैं दैट अकॉर्डिंग टू हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट रिलीज बाय द गवर्नमेंट उसमें हिमाचल प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आता है दैट इज 941 सेक्स रेशो एट बर्थ इज नाइन लेकिन अगेन डेटा सेट्स को जब हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले तीन साल में तो डिफरेंट डिफरेंट आए हैं कई जो थे जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो फिफ्थ आया आपका उसकी अगर मैं बात करूं वो कहता है कि हिमाचल में इट इज एट सेवेंटी फाइव जिसको वरिसम भी कहा गया तो अब एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेटा सेट्स बहुत सारे हैं एक एक्सट्रीम्स पे बैठे एक कहता है वरिसम है एक कहता है टॉप पे है तो एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर मेंस में पूछा जाए तो आपको जेनेरिक आंसर लिखने की कोशिश करनी है कि क्या रीज़न है क्योंकि एनालिसिस नहीं कर सकते कि वरिष्स है या नहीं है क्योंकि डेटा सेट्स ही डिफरेंट डिफरेंट बता रहे हैं तो वही चीज़ें है कि पेट्रीआर की अभी भी जो झुकाव है कि लड़का होना चाहिए उसकी तरफ है न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं तो एक एक दो दो बच्चे करते हैं एक करके खुश हो जाते हैं अगर वो यूजुअली uh, अगर लड़का हो देन दे आर मोर देन हैप्पी सो इस तरीके के रीजंस आप लिख सकते हो अगर प्रिलम्स में पूछा जाए तो उसमें कोट किया जाएगा स्कोर्स को कोट किया जाएगा कि आपका जो सेक्स एट बर्थ है वो uh, जो आपका नेशनल नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग या हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग क्या है अगर नहीं होगा तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो राइट नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है आ, हिमाचल में फॉर स्पीडी वर्डिक्ट मर्डर केसेस ये ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम न्यूज नहीं है न्यूज क्या है यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज ये केसेस इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो बहुत सारा भार पड़ा है उसको हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो है 457 मर्डर केसेस हैं जो कि पेंडिंग है पिछले दो साल में टू सिक्सटी सेवन फिफ्टी एट परसेंट हैं देन इज हंड्रेड केसेज ट्वेंटी वन परसेंट पिछले एक साल में हम लोग अलग अलग ऐसे डेटा सेट्स हैं कि ये पेंडिंग पड़े हैं यानी कि जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं उसके ऊपर ये बात करता है एक तो इन्होंने ये किया कि ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम ले आए और क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं इसके ऊपर सवाल है तो गिव इट अ थॉट एंड जो भी आपके मन में आता है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं राइट चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के एक फार्मर हैं जिनको पद्मश्री दिया गया जिनका नाम है नेक राम शर्मा किस चीज़ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि विदाउट केमिकल यूजेस किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है और जो आपकी सॉइल है या इन्वायरमेंट है उसको बिना डैमेज किए तो इन्होंने जो पुराने लोगों की एक टेक्निक थी उसको इन्होंने वापस से लेकर आए दैट इज़ नाइन फूड ग्रेन दैट इज़ नॉन अनाज यानी ओवर जितने भी चीजें उगाई जाती हैं उनको क्रॉपिंग की जाती है एक चीज लगाई फिर दूसरी फिर तीसरी सेम लैंड में विदाउट एनी केमिकल्स और जितना वाटर यूजेज है उसको भी कम करके तो नौ डिफरेंट तरीके के अनाज उगाए जाते हैं जिससे जो आपकी मिट्टी है वो भी वापस से रिजुवनेट होती रहती है और जो आपके पास में फूड ग्रेन्स हैं वो भी आते रहते हैं इसको एक और लाइट में हम लोग देख सकते हैं दैट इज मिलेट्स तो जो आपका यूनाइटेड नेशन जर्नल असेंबली है उसने क्या बोला कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स बोला जाएगा 2023 को तो क्या होगा कि बेसिकली जो मोटा अनाज जिसको हम लोग कह रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आ, ये आपका उनका जो है इसने बात की है ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि मल्टीग्रेन रोटी मल्टीग्रेन ये वो तो इसमें ये भी लिखा गया इट्स अ होक्स इट्स अ होक्स यानी कि ऐसा कुछ स्पेशल कुछ खास नहीं होता है ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है अगर हम लोग जितने भी अनाज खा रहे हैं अगर वो कंज्यूम हो जाते हैं हमारी बॉडी में इट्स मोर देन इनफ रादर देन गोइंग की आप मल्टीग्रेन जो है चीज़ें लेकर आओ चलो जी इसी के साथ में नेक्स्ट आ गया बटरफ्लाई म्यूजियम बतियात फॉरेस्ट रेंज में खोला जा रहा है चंबा में यूजअली आपके दिमाग में आएगा कि इस तरीके का ये बटरफ्लाई पार्क होगा ऐसा नहीं है इट्स मोर लाइक दिस जहाँ पर um, बहुत सारे पिक्चर्स लगाए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के और उनको जो है उनके साथ में अगेन उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप बटरफ्लाई के एंथुजियास्ट हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं तो कहाँ है आपका ये चंबा के यहाँ जैसे आ गया बतिया नेक्स्ट इज एक ब्रिटिश एरा जेल है जो कि है कहाँ पर ये है आपका डक्शाई में ये आपका का इंटोनमेंट है बेसिकली जेल हुआ करती थी अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है तो इतने सालों के बाद पता चला कि यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी जी हैं वो भी रुके थे और उनके जो किलर हैं नत्थुराम गोड से वो भी यहाँ पर रुके थे जब उन्होंने गांधी जी को शूट किया था उसके बाद में उनका असेसिनेशन ट्रायल जो था उससे रात पहले उनको एक रात के लिए वहाँ पर रखा गया था तो ये जो सेल्स हैं इनको अभी आप विजिट भी यहाँ पर कर सकते हो वेरअस गांधी जी जो आए थे वो जब रिवोल्ट हो रहा था तो आयरिश सोल्जर्स को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया था और एज ए गेस्ट रुके थे सो so, इस तरीके से यू मस्ट गो एंड विजिट डू शेयर योर पिक्चर्स और बस इतना सा ही इसके बारे में जो है न्यूज़ दिया गया था डगशाई कंटोनमेंट है ये राइट सारे के सारे जितने भी कंटोनमेंट्स होते हैं ना, कब इनको कहां, कहां पर है और कब कब इनको, इनको किया गया है, उसके इसको याद कर लेना है में as, uh, तो पहली बार हुआ ये जो आपका साइंस एंड टेक एनवायरमेंट वाला डिपार्टमेंट है इन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग की उसके लिए पहले परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है और इन्होंने हिमाचल में देखा कि बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक डंप्स बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े ऐसे गारबेज डंप्स बने हैं। तो यहाँ पर टॉपिक क्या हम लोग कवर कर रहे हैं न्यूज़ तो है कि बहुत ज़रा कूड़ा पड़ा हुआ है पर न्यूज़ क्या है दैट इज़ अर्बन लोकल बॉडी का वेस्ट मैनेजमेंट ये इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है तो अभी इस आगे इसके ऊपर फॉलोअप लिया जाएगा लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि जो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं देख पा रही हैं स्पेसिफिकली प्लास्टिक का क्योंकि इसको साइंटिफिकली करना पड़ेगा और जैसे अब हमारा नीचे वाला जो पार्ट है शिवालिक्स वाला बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वहाँ पर भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है लेकिन उस वेस्ट को ट्रीट जो है वो जल्दी जल्दी किया जाता है क्योंकि बहुत सारी है लेकिन जब हम थोड़ा ऊपर मूव करते हैं वो वाली बेल्ट जो है अगेन मिड हिल्स कह सकते हैं हम लोग वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है सो so, उसके लिए अब कैसे मैनेज करना है वो यहाँ पर किया जाएगा बहुत सालों से ये वेस्ट इकट्ठा हुआ है अभी साइंटिफिकली इसको डिस्पोज करेंगे और फिर जो है जो भी नाउ एंड देन इसकी जो रिपोर्ट है वो चेक की जाएगी बाई दी एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट नेक्स्ट है हिमाचल में बैन कर दिया गया ग्लू ट्रैप्स को जो ऐसे कुछ कुछ भी ऐसे फट्टे वगैरह होते हैं उनके ऊपर या फिर कुछ ग्लू स्टिक्स बेसिकली मैंने देखी नहीं है कभी पर ग्लू ट्रैप्स होते हैं जैसे रोडेंट्स के लिए जो आपके चूहे हो गए इनके लिए ये लगाए जाते हैं इसके ऊपर बैन लगाया क्योंकि जो पेटा है उन्होंने इसको अपील किया था तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है दैट इज़ कि जब ये जो आपके ग्लू ट्रैप्स रखे जाते हैं इसमें रेप्टाइल्स बर्ड्स स्क्वेरल्स बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं सिंस ग्लू है तो वो अटैच हो जाते हैं और फिर दे आर नॉट लाइक डेड लाइक कि ऐसे ही मर जाते हैं वो स्टार्व करते हैं डेथ को बेसिकली सो इट्स वेरी क्रूअल और इसको जो है बैन किया जा रहा है ऐसा नहीं है कि चूहे मारना ही बैन हो गया बट मोर लाइक झाड़ू से मार लो ग्लू ट्राप मत यूज करो ठीक है नेक्स्ट है साइबर क्राइम्स क्रिएट फेक इंस्टाग्राम अकाउंट अकाउंट ऑफ हिमाचल गवर्नर डिमांच मनी इन हिज नेम हमारे गवर्नर का नाम क्या है तो उनका नाम है श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्डिकर और ये साइबर क्राइम मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ ये आपके अवेयरनेस के लिए है कि अगर आपसे इंस्टाग्राम पे कोई पैसे मांगे तो मत देना और स्पेसिफिकली अगर हिमाचल गवर्नर जो हैं वो अपील कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी काठगढ़ शिवरात्रि फेस्ट तो इम्पोर्टेंट न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट काटगढ़ की जो शिवरात्रि है उसके लिए स्टेट लेवल का जो इवेंट है उसको घोषित करने के लिए ये मांग रखी गई है काटगढ़ के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए सबसे पहले ये कांगड़ा में है लोकेशन इंदौरा उपमंडल में दूसरी बात यहाँ पर जो टेम्पल है वहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है एक शिवलिंग है और इसमें दो ये दो भागों में बटा हुआ है छोटी वाली जो है वो पार्वती और बड़े वाले जो है शिव जी इस अवतार में उनकी पूजा यहाँ पर करते हैं कौन से स्टाइल में बना हुआ है तो दैट इज रोमन आर्किटेक्चरल सिस्टम माना जाता है कि एलेक्जेंडर जो है यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ जाके उसने गिव अप किया था कि आगे जो है लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ और वापस चलते हैं टाइप यहाँ तक पहुँच गए एक और स्टोरी यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इंटरेस्टिंग है सुनने अगर आपको पसंद है तो ये भी पढ़ सकते हो आप शिव पुराण में मेंशन वें किया गया कि एक बार जो आपके विष्णु हैं और ब्रह्मा हैं उनके बीच में युद्ध हुआ अब युद्ध हुआ तो घमासान हो गया तो शिव जी बीच में आए और उनके बीच में वो एक लंबा सा पिलर कह सकते हैं हम फायर पिलर बनकर खड़े हो गए तो और उन्होंने अब दोनों जो है ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ ना पाए तो उन, उन्होंने सोचा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ऊपर की तरफ गए देखने के लिए कि ये कहाँ तक जाता है और जो विष्णु जी हैं वो नीचे तक तो विष्णु जी लौट आए कि अभी जो है आगे कुछ नहीं होगा ब्रह्मा जी जो हैं वो केतकी का फूल कहीं से ले आए और उन्होंने बोला कि एकदम पिलर के ऊपर पड़ा हुआ था सो so, जो शिवजी हैं वो विष्णु से खुश हुए उन्होंने अपने स्थान साथ में उनको स्थान जो है यहाँ पर दिया और इसके साथ में उनकी लड़ाई जो है ख़त्म हो गई और अगेन uh, uh, जहाँ पर ये पिलर जो है uh, हुआ था वहाँ पर ही ये लिंग शिवलिंग जो है माना जाता है और वो काट कर टेम्पल है ठीक है ये थी आपको ये स्टोरी नेक्स्ट है जी हमारा पायलट प्रोजेक्ट सॉट फॉर पास्चर कंजर्वेशन पास्टर्स क्या होते हैं बड़े लैंड्स एल्केमिस्ट भी पढ़ी होगी आपने सांटी हो वो उसमें शीप्स को अपनी इधर उधर जाता है तो बड़े बड़े पॉस्चर्स ढूंढता है वो तो यहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने रिपोर्ट देखी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा कि हिमाचल में ना बहुत सारी इन्वेज इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की आ गई हैं यानी कि ऐसी स्पीशीज जो यहाँ की इंडिजीनियस नहीं है या फिर कह सकते हैं लोकल नहीं है वो यहाँ पर जब लगना शुरू होती है तो वो लोकल स्पीशीज़ को ख़त्म कर, कर देती है और काफ़ी ज़्यादा उग जाती हैं आसपास का जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर देती हैं लाइक एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर ग्रो करती हैं जैसे आपने कांग्रेसी घास सुना होगा या ये वाले जो फूल रहते हैं तो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं इससे क्या होता है जो जैसे हम लोग बहुत सारी जो पॉस्चर्स हैं यहाँ पर गडरिए बहुत सारे घूमते हैं तो गडरिए जो है घास चराने के लिए अपने जानवरों को लेकर आते हैं तो जब ये इनवेजिश स्पीशीज़ होती है तो घास नहीं उगता घास जो है वो ख़त्म हो जाता है तो लोग बहुत दूर दूर से जो घास है वो खरीदते हैं तो इसको इसके ऊपर यहाँ पर अभी जो है काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है इन बड़े एरियाज को कंजर्व करने के लिए ताकि जो फॉर्डर है जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो घास है वो अपने यहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में बना रहे इन्वेजिव स्पीशीज को जो है यहाँ से रूल आउट किया जा सके अगेन जो स्टडी है वो कहती है कि नब्बे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है लैंड की इसकी चली जाती है अगर वहां पर कोई इन्वेजिव स्पीशी इंट्रोड्यूस की जाए नेक्स्ट इज आज की लास्ट न्यूज ड्रैगन फ्रूट इसको एक और नाम से जानते हैं हम गुजरात में आप मुझे बताइएगा कमलम कह दिया गया कि ड्रैगन फ्रूट देखने में तो बड़ा क्यूट है तो इसका नाम जो है कमलम रख देंगे तो दैट्स सच अ इंडिया थिंग भारत में ही ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम जो है कमलम कर दिया गया और इसमें बात की गई कि जो न्यूज़ है ये बात कर रही है कि ऊना में हमने इसका कल्टिवेशन शुरू किया था ऑर्नामेंटल प्लांट है फार्मर्स को फ़ायदा हो सकता है और अच्छे रेट पर बिकता है ईजिली उग भी जाता है तो ऊना में ये उगाया गया पहले मनरेगा के अंतर्गत कि जो औरतें हैं आसपास की पंचायतों की मनरेगा के अंतर्गत वो आई इन्होंने इसका प्लांटेशन शुरू किया फिर देखा कि धीरे धीरे फार्मर्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और वहाँ पर एक ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दिया गया तो ये उसी पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहा है कि किस तरीके से ये एग्जॉटिक प्लांट जो है हाई मार्क, मार्केट वैल्यू रखता है और फार्मर्स ने इसको अपने उस प्रॉपर जो भी उन काम कर रहे थे उसमें इंट्रोड्यूस करके उनकी इनकम को यहाँ पर बूस्ट किया सो दट इज लेट फोर टूडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आई विल सी यू अगेन